और दोस्तों कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजिक्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारी आंखों की सर्जरी हुई थी, तो इस वजह से जो है हम आपके लिए 1.5 महीने तक कोई वीडियो नहीं ला पाए, लेकिन अब जो है आपको सारे ही वीडियोज रेगुलर देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60,000 रुपये के बजट के लगभग में आने वाले 5 ऐसे बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में जो कि इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि 60,000 रुपये के प्राइस रेंज के अंदर आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं, या अगर आप जो है एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं, या अगर आप और भी कोई काम करते हैं तो आप जो है ईजिली उसमें अपने ऑफिस वर्क वगैरह अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो वो सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से कर पाए। तो वीडियो पर आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर अपने पहले लैपटॉप की। यहां पर आपको मिल जाएगा एसर की तरफ से आने वाला एसर नाइट्रो 5। इसलिए अगर हम इसके मॉडल नंबर की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा AN51543। इस लैपटॉप में अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपको मिल जाएगा AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 355H प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि एक 4-कोर 8-थ्रेड का प्रोसेसर है। और अगर हम इसकी बेस क्लॉक की बात करें तो इसमें आपको 2.1 GHz की बेस क्लॉक और इसमें आपको जो है 3.7 GHz की बूस्ट क्लॉक देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप गेमिंग करते हैं छोटी मोटी, अगर आप जो है एडिटिंग का काम करते हैं, या अगर आप जो है थोड़ा सा हैवी काम भी करते हैं, तो ये राइजन के प्रोसेसर के साथ जो है आप काफी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इसमें रैम की बात करें तो इसमें आपको जो है 8GB की DDR4 रैम मिल जाएगी, साथ ही इसको आप जो है 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसमें स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको जो है 1 TB की जो है हार्ड डिस्क मिल जाएगी, जो कि 7200 RPM वाली है। अगर हम इसमें ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा NVIDIA की तरफ से आने वाला GeForce GTX 1650 4GB VRAM के साथ आने वाला एक ग्राफिक कार्ड। तो इस ग्राफिक कार्ड के साथ आप जो है काफी अच्छी डिसेंट गेमिंग कर सकते हैं। 60 FPS के लगभग की आपको गेमिंग यहाँ पर आपको आप काफी आसानी से कर पाएंगे लगभग सारे ही मॉडर्न AAA टाइटल में। और अगर हम इसमें स्क्रीन की बात करें तो इसमें आपको जो है 15.6 इंच की फुल HD IPS जो है पैनल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। IPS पैनल होने के कारण आपको जो है यहाँ पर कलर वगैरह काफी अच्छे प्यारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो लगभग इसमें आपको जो है 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। लेकिन अगर आप जो है इसमें हैवी अगर आप काम करते हैं तो आप जो है 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप आप काफी आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इस लैपटॉप की बात करें तो ये लगभग आपको जो है 54,000 से 55,000 रुपए के प्राइस रेंज के बीच में मिलता है। और इस प्राइस रेंज के बीच में ये जो काफी अच्छा आपको यहाँ पर जो है लैपटॉप देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आप इसमें रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं और प्रोसेसर भी आपको जो है 4-कोर 8-थ्रेड वाला काफी अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले लैपटॉप की। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेनोवो की तरफ से आने वाला लेनोवो IdeaPad S540। तो यहाँ पर आपको जो है इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i5-10210U प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक 4-कोर 8-थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसमें आपको बेस क्लॉक 1.6 GHz की और बूस्ट क्लॉक यहाँ पर आपको जो है 4.2 GHz की देखने के लिए मिल जाएगी। और गेमिंग के लिए इंटेल के जो है प्रोसेसर काफी अच्छे यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जो है करते हैं। अगर हम इसमें ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा NVIDIA की तरफ से आने वाला MX250 जो है आपको 2GB वाला ग्राफिक्स मिल जाएगा, जो कि आपको जो है डिसेंट सी परफॉर्मेंस दे देगा। तो अगर आप जो है गेमिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, अगर आप जो है लाइट गेमिंग करते हैं, लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा हैवी काम करते हैं, अगर आप हल्की फुल्की एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, तो इसमें आप जो है काफी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो CPU है वो काफी कैपेबल यहां पर आपको CPU देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसमें डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको जो है 15.6 इंच की जो है फुल HD IPS पैनल यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक एंटी ग्लेयर पैनल है। तो काफी अच्छा ये जो है आपको डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 8GB की DDR4 रैम यहां पर आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ अगर हम इसमें स्टोरेज की बात करें तो यहां पर आपको जो है 1 TB की यहां पर आपको स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि लगभग आपको जो है इसमें यहाँ पर 9 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसमें चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको जो है रैपिड चार्जिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि लगभग आपका 80% जो है आपका लैपटॉप 1 घंटे के अंदर चार्ज कर देता है। और साथ ही साथ आप लेनोवो के लैपटॉप्स की खासियत है कि आपको जो है 180 डिग्री के इसमें आपको हिंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप अपने लैपटॉप को पूरी तरीके से फ्लैट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको जो है फिंगरप्रिंट रीडर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा सिक्योरिटी के लिए, और बैकलाइट यहाँ पर आपको जो है कीबोर्ड एक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ओवरऑल अगर हम इस लैपटॉप की बात करें तो अगर आप जो है कोई बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं, हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं और CPU इंटेंसिव कार अगर आप ज़्यादा करते हैं, तो इसमें आप जो है काफ़ी आसानी से कर पाएंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो लगभग ये जो है आपको 59,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। और यहाँ पर हम जो भी लैपटॉप आपको बता रहे हैं उन सबका ही लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं, उससे जो है चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले लैपटॉप की। तो यहाँ पर आपको मिल
जाएगा, एचपी की तरफ से आने वाला एचपी पवेलियन गेमिंग लैपटॉप। तो अगर हम इसमें प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इंटेल की 10 जनरेशन का कोर i5-10300H जो है आपको प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। अगर हम इसमें बेस क्लॉक की बात करें तो इसमें आपको जो है 2.5 GHz की बेस क्लॉक और 4.5 GHz की इसमें आपको मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये लैपटॉप जो है काफ़ी अच्छा आपको जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर अगर आपको दे देगा। अगर हम इसमें ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको जो है एनवीडिया की तरफ से आने वाला GTX 1650 जो है 4GB वाला ग्राफिक कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप हैवी गेमिंग वगैरह करते हैं तो इसमें आप काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर हम इसमें स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको जो है 1 TB की 7200 RPM वाली यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इसको जो है फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें रैम की बात करें तो इसमें आपको 8GB की DDR4 रैम मिल जाएगी, जिसको कि आप जो है 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर हम इसमें डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको जो है 16.1 इंच की जो है इसमें आपको फुल एच डी IPS पैनल मिल जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करें, अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी इसमें आपको डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी। इसका अगर हम हल्का सा ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो इसका बैटरी बैकअप आपको थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा, लगभग आपको जो है 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी लगभग आपको जो है 59,000 से लेकर 60,000 के बीच में मिल जाएगा। तो ये भी लैपटॉप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले लैपटॉप की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एसर की तरफ से आने वाला एसर एस्पायर 3। इस लैपटॉप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है इंटेल की तरफ से आने वाला सबसे लेटेस्ट जनरेशन यानी इनकी जो है टाइगर लेक सीरीज वाला 11 जनरेशन वाला इसमें आपको जो है कोर i5 प्रोसेसर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि है 1135G7। इस प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो ये भी एक 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, 2.4 GHz की बेस क्लॉक और 4.2 GHz की इसमें आपको बूस्ट क्लॉक देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये प्रोसेसर जो है सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर आपको यहाँ पर इस लैपटॉप में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इसमें ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है एनवीडिया की तरफ से आने वाला GeForce GTX 350 जो है आपको 2GB वाला ग्राफिक देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो ये भी काफ़ी कैपेबल ग्राफिक कार्ड है और ये लेटेस्ट प्रोसेसर होने के कारण आप जो है अगर CPU से जुड़े हुए काम अगर आप ज़्यादा करते हैं तो काफ़ी आसानी से आप इसमें जो है ये सारे काम कर पाएंगे। अगर हम इसमें रैम की बात करें तो इसमें आपको जो है 8GB की DDR4 रैम मिल जाएगी, जिसको कि आप जो है 20GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसमें स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको जो है 512GB की NVMe SSD यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, नॉर्मल SSD नहीं, इसमें आपको जो है M.2 NVMe SSD आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इसमें फ्यूचर में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप जो है 2TB तक जो है हार्ड डिस्क को जो है इसमें आप लगा सकते हैं फ्यूचर में, तो ये भी इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसमें कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको जो है इंटेल की तरफ से आने वाला Wi-Fi 6 वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो लगभग आपको 8.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो इस लैपटॉप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है M.2 NVMe SSD वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी, लेटेस्ट प्रोसेसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और लगभग ये भी आपको जो है 59,000 से लेकर 60,000 के बीच में मिल जाता है और कभी कभी ऑफर में ये जो है और भी सस्ता मिल जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर अपने अगले लैपटॉप की, जो कि सबसे बेस्ट लैपटॉप है और अगर आप गेमिंग कैसे भी अगर आप इसके अंदर करना चाहते हैं, एडिटिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, या अगर आप जो है अपने गेम को स्ट्रीम भी करना चाहते हैं तो वो भी आप लैपटॉप के जरिए कर सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेनोवो की तरफ से आने वाला लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3। इस लैपटॉप की बात करें तो इसमें आपको जो है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 4600H जो है प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि AMD की तरफ से आने वाला सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड वाला आपको प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको बेस क्लॉक 3.0 GHz की और बूस्ट क्लॉक जो है 4.0 GHz की मिल जाएगी। 6 कोर और 12 थ्रेड होने के कारण आप जो है अगर आप स्ट्रीमिंग या एडिटिंग भी करते हैं तो वो भी आप काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर हम इसमें ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको जो है NVIDIA की तरफ से आने वाला GeForce GTX 1650 Ti जो है ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा और एडवांस 4G वाला आपको ग्राफिक कार्ड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसमें रैम की बात करें तो इसमें आपको जो है 8GB की DDR4 रैम मिल जाएगी, जो कि 32 तक चलती है, तो काफ़ी एडवांस इसमें आपको रैम का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। ये डुअल स्लॉट के साथ आती है तो एक स्लॉट में आपको 8GB मिलेगी, आप 8GB फ्यूचर में और भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसमें स्पेस की बात करें तो इसमें आपको जो है 512GB की जो है इसमें आपको SSD आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और अगर आप इसमें अपग्रेड करना चाहते हैं अपने स्पेस को तो आप जो है 2TB तक जो है आप इसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हैं, तो आपको फ्यूचर में कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर हम इसमें डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच का फुल
LCD IPS पैनल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खूबसूरत आपको ये पैनल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसकी बिल्ड और फिनिशिंग और लुक वाइज की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा ये लैपटॉप आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें अगर आपको जो है LED ब्लू कलर की LED बैकलेट है, इसमें आपको कीबोर्ड वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे तो, और साथ ही साथ इनमें जो है आपको डुअल एडजस्ट फैन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर जब आप गेमिंग करते हैं तो आपका जो लैपटॉप जो है अगर जब हीट होगा तो ये जो है दोनों आप इसके फैन जो है मैक्सिमम स्पीड पर चलने लगेंगे, और आप इनको जो है इनके इंटरनल सॉफ्टवेयर इसमें आपको इंस्टॉल मिलेंगे तो आप उसके जरिए भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये लगभग आपको जो है 63 से 64 के बीच में मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इस लैपटॉप की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने जितने भी लैपटॉप बताए हैं उन सब में आपको विंडोज़ 10 जो है प्री इंस्टॉल मिलेगी, सभी में आपको जो है LED बैकलेट कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो जो कि गेमिंग में अगर आप जो है नाइट में अगर आप ज़्यादा लैपटॉप का यूज करते हैं तो उन सब में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ हमने जितने भी लैपटॉप बताए उन सबका ही लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं, उससे जो है चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो है नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।